टेम्पल दिखा लें, तो वीडियो में बने रहिएगा। और ये साउथ लैंड लाइन है बचपच से, आप चाहे तो विवादी बाग जो बीबीडी करके स्टेशन को, और 22 पे शायद वो ट्रेन चलती है मध्यम ग्राम से, आप चाहे तो वो ट्रेन डायरेक्ट जाती है कि देखो ये वाली माजेरहाट उतर के फिर बस से भी जाना पड़ेगा, तो फिर वीडियो पे बने रहिएगा। का नज़ारा देखते हुए चलिए, सुंदर नज़ारा है। ये साउथ लाइन पड़ता है दोस्तों, शियालदा से साउथ लाइन बजबज वो सब ट्रेनें जाती है माजरहाट, माजरहाट से आपको बस मिल जाएगा, बस से आप हीरेपुर जा सकते हैं और ये बेस्ट ऑप्शन है। और जो मध्यम ग्राम से विवादी बाग वाली ट्रेन जाती है वो स्टेशन बहुत दूर पड़ेगा, बस स्टॉप से बहुत दूर पड़ेगा, तो उतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इधर ही आपको फिर मंदिर वगैरह पास पड़ेगा, आप वैसे घूमने के लिए जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये माजेरहाट है दोस्तों, देख सकते हैं, चलिए चलिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो पे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब पहले कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा दोस्तों। सीढ़ी में है बहुत भीड़ है, कोलकाता में हफ्ते 10 दिन से इतनी गर्मी, फिर 5 बजे के बाद थोड़ी सी रिलैक्स होता है, ठंडा हवा चलने लगता है। माजेरहाट स्टेशन है देख सकते हैं, हमने माजेरहाट स्टेशन पहले भी दिखाया था आप लोग को, नया बना है तो काफ़ी सुंदर बन गया है, देख सकते हैं इस तरीके से माजेरहाट लिखा है ऊपर भी इंग्लिश हिंदी बंगाली में, इस तरीके से काफ़ी सुंदर अच्छा बन गया है। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आप लोग अपने घर के पास कोई मटकी हो या टब हो या कनस्टर हो, पुराना कनस्टर हो या पुराना बाल्टी हो, तो उस तरीके से आप लोग बाहर जो है डॉगी के लिए, गाय के लिए पानी भर भर के रखिए, और चिड़िया के लिए, पंछी के लिए कोई थाली अली हो पुराना, उसमें पानी भर भर के छत के ऊपर रखिए, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, सभी लोग करिए। काफ़ी सुंदर ये बना हुआ है देख सकते हैं, पीछे काफ़ी बड़ा बिल्डिंग एक बन रहा है। बस में हम बैठ गए हैं, थोड़ा सा बाहर का आपको व्यू दिखा दें, चलिए दोस्तों मंदिर आ गए। ये है मंदिर देख सकते हैं, काफी खूबसूरत बना हुआ है मंदिर, माला आपको इस तरीके से मिल जाएगा मंदिर के ठीक बाहर। चलिए लास्ट वाले गेट से जाना है, बना हुआ है देख सकते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा बता देंगे। ये श्री महालक्ष्मी, ये श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी ये लिखा हुआ है सब, 5 बजे से लेके 11:30 बजे तक की है, शाम को फिर है 4 बजे से लेके 9 बजे तक की, राम परिसर से मादक द्रव्य ये सेवन नहीं करना मना है, सब लिखा है, कैमरा मोबाइल बैग ये सब बना है, लेकिन जैसे तैसे करके आप लोग को दिखाएंगे जरूर। हाँ ये देखिए बाहर का, 11:30 बजे बंद हो जाएगा, हम जल्दी कर रहे हैं। काफी कलाकारी करके सुंदर डिजाइन करके बनाया गया है, सुंदर फ्लावर है सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी के पैर बना हुआ है,
ऊपर इतना सुंदर नक्काशी का काम है। ये देखिए 15 मिनट रह गया है, बंद होने वाला है, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। ये देखिए माँ का पादुका, सब मना है दोस्तों, हम किसी तरीके से चुरा के बनाया, नीचे पूछ लिया था बजरंगबली बाबा जी ने। जी है इधर बहुत सुंदर, सब ग्रंथ रखे हैं पढ़ने के लिए। पूरा फुल नक्काशी का काम है, हमको पता था बंद हो जाएगा, हमको एक जगह पहले जाना था लेकिन हम गए नहीं, हमने कहा पहले इधर का काम कर ले। ये पूरा इस तरीके से काफी बड़ा बना हुआ है, आप देख सकते हैं, थोड़ा परिक्रमा कर ले, काफी अच्छा बना हुआ है, भव्य मंदिर है और विशाल बड़ा बना हुआ है। इस तरीके से विशाल मंदिर, इस तरीके से पुराना फूल यहाँ पे है, आप लोग ले जा सकते हैं, हमने इसमें से निकाला है थोड़ा फूल, घर में रख देंगे कुछ दिन, अभाव मतलब उसका हवा चलने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये काफ़ी बड़ा बना है, ये भी देख सकते हैं, ये सुंदर भव्य बना हुआ है और यहाँ पे कुंड बना है हवन के लिए, और ये हवन के लिए कुंड बना है और इस तरीके से बना हुआ है, पूरा फुल नक्काशी का काम है, बहुत सुंदर, अति सुंदर बना है, जितना हो सका दिखाने का पूरा प्रयास किया है, देख सकते हैं बहुत बड़ा और अच्छा बना है। काफ़ी सुंदर भव्य बना है, आप लोग घूमने के लिए ज़रूर आइए, लेकिन वीडियो करना मना है, नारायण जी का वीडियो हमने पंडित जी से पूछ के बनाया कि एक फ़ोटो ले ले, तो वो फोटो ही लेने दिया है, और वीडियो जो बनाना सख्त मना है। और लक्ष्मी जी का चरण है और चरण के ऊपर भूल से भी पैर मत रखिएगा, माता जी का चरण है और नांगिएगा नहीं। और ये सब भैया लोग बैठे हैं, सब टाइम है, उन लोग जल्दी कर रहे हैं, 11:30 बजे का टाइम हो चुका है, टाइम ऑफ मतलब ऑफ हो गया है। इस तरीके से पूरा बाहर का है बना हुआ है और रोड के ऊपर ही है, बस वाले आपको बिल्कुल रोड के ऊपर ही लगा के सजाया, सजावट है, ये बना हुआ है नक्काशी का फुल काम है गोल्डन कलर से, और कुछ बंद है रूम में, अलग कुछ होगा हमें नहीं पता, हम भी पहली बार आए हैं, और साफ सफाई का काम चल रहा है, बंद हो जाएगा 11:30 बजे। टॉयलेट बाथरूम सब लेडीज़ जेंट्स के बने हुए हैं, देख सकते हैं आप, और पीने का पानी, यहाँ भंडारा वगैरह की व्यवस्था नहीं है, ये सब जो है मतलब स्टाफ लोग रहते हैं, वही लोग बनाते खाते हैं, सब काफ़ी स्टाफ है। और अगल बगल सब बिल्डिंगें बनी हुई है, ये सब अगल बगल में पुरानी बिल्डिंगें बनी हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करते रहिएगा। और ये बड़ा ऊंचा सा बिल्डिंग बनी है, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो हमको यहाँ बैठे रहना पड़ता, समझ लीजिए भगवान जी की असीम कृपा रही जो, चलिए कुछ तो दिखाई दिया आप लोग को, उसको दिखाई दिया, सुंदर सुंदर फ्लावर वगैरह है। ये दुकानें हैं कि क्या है, अभी हम पूछ के बताते हैं।
मजे का स्टाफ है यहाँ पे, वॉचमैन है और मतलब पुजारी है और खाना पीना बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल सख्त मना है, हम पूछ के लक्ष्मी जी का फोटो एक लिया हमने। काफी बड़ा जगह पे बना है, बहुत सुंदर। अति लोग टाइम से आ जाइएगा, देर ना करिएगा, क्योंकि परफेक्ट टाइम टेबल से सब बना हुआ हमने ये देखा है। और मंदिर काफी साफ सुथरा है, वीडियो बन बना है, लेकिन आप परमिशन ले लीजिएगा। अच्छा, ये पीछे जगह बाहर से इस तरीके से लग रहा है, देख सकते हैं। एक बार दिखा दे ठीक से, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। जल्दबाजी वैसे ही हम लेट से आए थे। अच्छा हुआ हमको एक जगह जाना था, नहीं गए, नहीं तो ये भी हमारी वीडियो नहीं हो पाता, बैठे रहना पड़ता शाम के 4 बजे तक ही। लक्ष्मी मैया की असीम कृपा रही मेरे ऊपर। चलिए आप यहाँ से फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, मंदिर के ये बगल ही में ही पड़ता है, यहाँ से आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। ये भैया बेचते हैं, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। 4 बजे पट खुल जाएगा, 11:30 बजे बंद हुआ है, राइट 4 बजे खुल जाएगा। गन्ने का जूस वगैरह लेना चाहे लक्ष्मी जी के लिए, साफ सुथरा है, ले सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट टाइम है, करेक्ट टाइम से सब बंद हो जाता है। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, हेल्पफुल लगा है, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कमेंट शेयर करते रहिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्ते। आप लोग खूब हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अपने आप को बहुत सेफ रहिएगा, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिएगा। ड्यूटी वाले सर्विस वाले तो निकलेंगे ही निकलेंगे।